आज हम पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसमें है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने जो पहले चैप्टर किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थी। सेकंड चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है। थर्ड चैप्टर हमारा डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। एंड जो फोर्थ वन हमारा चैप्टर है वो रेलिवेंट है हमारे क्या उसको कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, जब भी न्यू बिजनेस में कोई पार्टनर एडमिट होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, तो बिजनेस के अंदर मेजर चेंजेस आती हैं। उसकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो ये वाले तीन चैप्टर जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर जैसे ही नेक्स्ट टू चैप्टर हैं 80% उनसे मिलते जुलते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स मीन पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर को हम ऐड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें हम सबसे पहले लर्न करेंगे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एडमिशन एक्चुअली है क्या, गुडविल क्या है, गुडविल की ट्रीटमेंट्स क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो की कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिवैल्यूएशन क्या है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के। तो सबसे पहले हम आते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हमने बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर को ऐड करना है, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनके दरमियान में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर के एडमिट होने से जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो लीगली एंड हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप एक जनरेट होती है। तो अगर पार्टनर चाहें तो वो प्रीवियस जो एग्रीमेंट है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं और वही बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ कर सकते हैं, बट वो न्यू भी अपना एग्रीमेंट जो है वो बना सकते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में न्यू पार्टनर ऐड होता है वो ऐसे ही तो नहीं ऐड होता, वो किसी ना किसी बेनिफिट के लिए ऐड होता है। तो ए और बी फॉर एग्जांपल पहले पार्टनर हैं, ए को भी बिजनेस का 50% मिलता है, बी को भी बिजनेस का 50% शेयर मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है दोनों 50-50 लेते हैं। अगर वो सी को बिजनेस में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या है कि 50-50 मीन 100% ही होती है ना टोटल। तो अगर ए अपना कुछ शेयर सी को देगा, बी अपना कुछ शेयर सी को देगा, एक पार्टनर का सेक्रीफाइस दूसरे पार्टनर का गेन होता है। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम जब भी न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। नेक्स्ट हमने ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। तो सबसे पहले गुडविल है क्या। गुडविल आप जानते हैं किसी भी बिजनेस का एसेट होता है। गुडविल क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन किया, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट है, उनके ऑलरेडी कस्टमर्स जो हैं वो उनसे सेटिस्फाई हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा फेयर है, ये बिजनेस की गुडविल होती है। ठीक है, जब भी न्यू पार्टनर ऐड होता है बिजनेस में तो प्रीवियस पार्टनर्स ने जो मेहनत की होती है उसके अंदर वो ऐड होता है, तो उसके लिए वो कुछ पे करता है। ठीक है, उसको वो कंपनसेट करता है ओल्ड पार्टनर्स को। ये मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए बी और सी थ्री डिफरेंट बिजनेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टनरशिप की एग्जाम्पल ले रही, गुडविल की लेनी हमने। ए बी सी थ्री डिफरेंट बिजनेस हैं। ए वो बिजनेस है जिसको मार्केट में रहते हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं, बी वो बिजनेस है जो पिछले 7 साल से बिजनेस में है, सी वो बिजनेस है जो अभी न्यूली मार्केट में एंटर हुआ है। सपोज़ तीनों का सेम बिजनेस है, तीनों का गारमेंट्स का बिजनेस हम लगा लेते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लैक लाइन शो कर रही है ये है अर्निंग तीनों की। देखिए, सी ने न्यू शॉप बनाई, बी ऑलरेडी 7 ईयर से है, ए 15 ईयर से है। इट्स मीन के डायरेक्ट कस्टमर जब इन शॉप्स पे आते हैं इतनी अर्निंग तो सबकी है ही है। ये जो लाइन है इसके नीचे मीन ये नॉर्मल अर्निंग तो सबकी है ही है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये शो करता है कि ए की मार्केट में गुडविल बनी हुई है, उसके कस्टमर्स परमानेंटली लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसके कस्टमर्स रिटेन रहते हैं, वह डायरेक्ट उसके पास आते हैं उसकी पीआर की वजह से, उसकी गुडविल की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है ये अपनी गुडविल की वजह से जनरेट कर रहा है। बी ये वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर रहा है वो अपनी गुडविल की वजह से कर रहा है। सी चूंकि न्यूली बिजनेस में एंटर हुआ है, इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाएगा, बट जैसे जैसे ये बिजनेस में पुराना होगा, इसके कस्टमर रहेंगे, तो ये भी गुडविल की तरफ जाएगा, बिजनेस में अपनी गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा अर्न करेगा। आपको गुडविल की समझ आ गई। अब हमने जाना है कि किस तरीके से बिजनेस में हम जो गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ आप समझ लें कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है बिजनेस में, क्योंकि इसको हमने गुडविल के अंदर ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं,
जो भी प्रॉफिट होता था या लॉस होता था वो दोनों आपस में 50-50 शेयर करते थे। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गई, 50:50 हो गई। अब जब उन्होंने सी पार्टनर को एडमिट किया, शुरू में तो सी पार्टनर डेफिनेटली जब पार्टनर नहीं था उसको कुछ नहीं मिलता था, जैसे ही उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एंटर किया, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने शेयर का प्रॉफिट का 10%, बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने प्रॉफिट का 10%। ए और बी का ये सेक्रीफाइस सी का क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। ए और बी का ये सेक्रीफाइस सी का क्या होगा, गेन होगा। तो ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो है और ये वाली गेनिंग रेशियो है। ए ने 10% सेक्रीफाइस किया, बी ने 10% सेक्रीफाइस किया, और वो 20% का शेयर बिजनेस में किसका हो गया, सी का, प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब न्यू रेशियो क्या है, ए अब 40% लेगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, बी भी 40 लेगा, और सी क्या लेगा, 20%। अगर हम सी को कुछ भी ना दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी किसी वजह से किसी फायदे के लिए ही बिजनेस का पार्टनर बना है, तो डेफिनेटली उसने कैपिटल तो बिजनेस में लेके आना ही आना है, लेकिन वो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सेदार भी होगा, ठीक है। आई होप आपको गुडविल की समझ आ गई, ओल्ड रेशियो क्या है जो प्रीवियस पार्टनर्स एंजॉय कर रहे थे बेनिफिट, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। सेक्रीफाइजिंग मीन ए और बी का सेक्रीफाइस, सी का वो क्या है, गेन है। तो फिर उनके दरम्यान में सी के एंटर होने से ये न्यू रेशियो जनरेट हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल्स की तरफ। तो इसका फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, फर्स्ट मेथड गुडविल पेड प्राइवेटली। जी, गुडविल पेड प्राइवेटली नाम से पता चल रहा है कि उसने प्राइवेटली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट किया है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल 20,000 बनती है, तो उसने 10-10,000 ए और बी को या जो भी एग्रीड रेशियो थी उसको प्राइवेटली कैश पे कर दिया। तो गुडविल जो प्राइवेटली पे की जाती है, इसके बिजनेस में कोई एंट्री नहीं की जाती। बट गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये अब हम सीखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इस प्रॉब्लम को अपने माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि जितनी भी गुडविल की ट्रीटमेंट है हम इसी प्रॉब्लम से करेंगे। और बी पार्टनर है, उनकी जो प्रीवियस रेशियो है शेयरिंग वो 3:2 रेशियो है, और उनका बैलेंस जो है वो ये मेन क्राइटर्स ये हैं, एक का कैपिटल ये है, बी का कैपिटल ये, और ये उनकी सारी एसेट्स दिखाए हुए हैं। इट इज़ डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, वो डिसाइड करते हैं कि सी को हमने अपने पार्टनर में ऐड करना है अपनी पार्टनरशिप में। तो वो 50,000 एज अ कैपिटल बिजनेस में पे करता है। वो कहते हैं गुडविल इज़, ये गुड नहीं गुडविल आहाना था, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल 3 ईयर्स की आपने लेनी है, लेनी किसके ऊपर है, 4 ईयर्स के प्रॉफिट के ऊपर। और यहाँ पे उसने आपको ये 4 ईयर्स, प्रीवियस 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 2005 तक। न्यू प्रॉफिट रेशियो जो उनके दरमियान में एग्रीड हुई है वो क्या है, 7:5:4। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, और प्रीवियस रेशियो आपकी क्या है, 7:5:4। जब हम नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कहते हैं गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। गुडविल जो है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये 4 ईयर्स का हमने प्रॉफिट लिया, तो टोटल प्रॉफिट ये 64,000 है। अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज ईयर प्रॉफिट क्या है, हम 64,000 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 16,000 है ये हमारा एवरेज ईयर प्रॉफिट है। उसने क्या कहा था, 4 ईयर्स का प्रॉफिट और 3 ईयर्स की गुडविल लेनी है। 4 ईयर्स के प्रॉफिट को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48,000 हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो इस, ये टोटल गुड वैल्यू है, इसमें से सी कितनी गुडविल जो है वो पे करेगा। अब हमने न्यू रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जब सी की बात होगी, न्यू रेशियो है 7:5:4, इन सब रेशियोज़ को हम आपस में ऐड करते हैं तो ये 16 आता है। ए की रेशियो 7 है, बी की रेशियो 5 है, सी की रेशियो 4 है। तो हम क्या करेंगे, 48,000 का 4/16 करेंगे, तो 12,000 सी का गुडविल में हिस्सा है जो इसने पे करना है ए और बी को। अब हम इसके सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं, कहते हैं जी गुडविल पेड इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, उसने गुडविल कैश में पे की है और वो वाला कैश उन्होंने बिजनेस में रख लिया है, ठीक है, बिजनेस में रहने दिया उस वाले कैश को। और वो कैश रहना तो प्रीवियस ओल्ड पार्टनर्स का ही है, ठीक है। जो भी न्यूली पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट पे करेगा वो न्यूली पार्टनर्स को उसका बेनिफिट जाएगा। तो सबसे पहले जब इनकमिंग पार्टनर ने गुडविल हमें पे की तो इसकी एंट्री हम करेंगे कैश टू गुडविल अकाउंट। गुडविल इनकम है ना हमारी यहाँ पे, तो कैश टू गुडविल हम करेंगे।
इनकमिंग गुडविल अमाउंट जब हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर दो पार्टनर्स हैं तो हम करेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने गुडविल कैश में उसने पे की और यहाँ पे हमने ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दी। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हम क्या करेंगे। प्रॉब्लम आपने वही वाला माइंड में रखना है जिसको हमने स्टडी किया था। सबसे पहले कैश में पे किया बिजनेस में, तो हम कैश टू सी कैपिटल करेंगे, 50,000 पे किया, ये हमने प्रॉब्लम में देखा था, ठीक है। ये देखें सी ने कितना पार्टनर बिजनेस में पे किया, 50,000। कैश टू गुडविल, गुडविल पेड बाय सी, सी कितनी गुडविल पे करेगा, ये भी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है ये कि ये 12,000 गुडविल बिजनेस में पे करेगा, तो यहाँ पे हमने वो 12,000 लिख लिया। और ये वाली जो गुडविल है हमने ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, तो उसकी एंट्री है गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के कैपिटल इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो अमाउंट है गुडविल 12,000 है, ए को कितनी जाएगी बी को कितनी जाएगी ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस या गेन किया और प्रीवियस रेशो की निस्बत बी ने कितना किया। इसके लिए हम चलते हैं इस मेथड की तरफ, ठीक है। ये देखें सेक्रीफाइजिंग रेशो और न्यू रेशो। जो न्यू ओल्ड रेशो थी पार्टनर्स के दरमियान में वो क्या थी, 3:2 थी। इन दोनों को मैंने आपको बताया कि हम ऐड करते हैं तो टोटल 5 था, हिस्सा 5 में से 3 हिस्सा ए ले रहा था और 2 हिस्सा जो है वो बी ले रहा था। ए इज़ इक्वल टू 3/5, ठीक है, ये ओल्ड हिस्सा है ए का। न्यू शेयर कितना बनता है, हमने न्यू शेयर भी क्वेश्चन में देखा, न्यू शेयर उसने कितना बताया, आप प्रीवियस स्लाइड पर देखें, ये न्यू शेयर है ना 7/5/4। न्यू शेयर क्या है, 7:5/4, ये है न्यू रेशो। और ये हमारी क्या है, ओल्ड रेशो, ठीक है। अब देखें ए का 3/5 था, अब ए का कितना है? इन सबको ऐड कर लें तो ये 16 के इक्वल बन रहा है। अब ए का है 7/16, देखें ए ने तो गेन किया सेक्रीफाइस की निस्बत, हिज न्यू शेयर इज़ मोर देन ओल्डर शेयर, दिस मीन्स ही हैज़ गेन्ड, इसने गेन किया है। तो गेन का फार्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर 7/16 है, ओल्ड शेयर हमारे 3/5 है। हम नीचे वाली वैल्यूज है उनका एलसीएम लेंगे, 80 आएगा, 16 5 80 और 5 7 35, इसी तरीके से 80 के ऊपर 5 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 48 आ गया। हमने 35 में से 48 किया, 13 आ गया। यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर करेंगे, एक्चुअली हम तो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम कौन सा मैथमेटिकली इसमें प्लस माइनस वो वाला कर रहे हैं। तो ये 13/80 रेशो आ गई, ठीक है। तो अब जो ए है उसको 12,000 जो गुडविल है उसका 13 रेशो मिलेगी, और बी को कितनी मिलेगी, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो। अच्छा जी, इसके भी सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं, इसका भी गेन है क्योंकि ओल्ड शेयर 2/15 था, न्यू शेयर 5/16 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 7/80 आता है। इट्स मीन के हमारी जो न्यू रेशो है इसको हम क्या कहेंगे कि न्यू रेशो हमारी गुडविल को शेयर करने के लिए, न्यू रेशो वैसे क्वेश्चन में मेंशन है, गुडविल को शेयर करने के लिए न्यू रेशो जो हमारे पास आई है वो क्या है, 13:7, ठीक है। गुडविल की अमाउंट क्या है, 12,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 13/20, ये 20 कहाँ से आया, 13+7 इज इक्वल टू 20, मीन 20 टोटल पार्ट है, 20 में से 13 जाएगा ए को और 7 जाएगा बी को। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ए का हिस्सा बनता है 7,800 और बी का कितना बनता है 4,200। तो देखें यहाँ पर हमने ये देखें ये 7,800 आपको समझ आ गई हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये 7,800 और ये 4,200, ये हमने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 13/20 और ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7/20 किया हुआ है, उस तरीके से ये हमारे पास आया।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड. फर्स्ट मेथड था जब प्राइवेटली पे करता है, सेकंड मेथड था वो कैश पे करता है इनकमिंग पार्टनर बट हम वो बिजनेस में रिटेन करते हैं. थर्ड हमारा मेथड क्या है, गुडविल कैश में पे की जाती है बट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले गुडविल बिजनेस में जब आएगी तो ये वाली एंट्री होगी, हमने प्रीवियसली सीख ली है. उसके बाद वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो भी हमने सीख ली. और उसी टाइम ओल्ड पार्टनर जब उसको विड्रॉ कर लेंगे तो यही वाली एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश या बैंक आएगा यहाँ पे, ये क्रेडिट करेंगे हम इसको. अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले कैश बिजनेस में पे किया सी ने 50,000 से कर ली, कैश गुडविल बिजनेस में पे की सी ने वो 12,000 थी और ओल्ड रेशो उनके अकाउंट में जब डिवाइड की गई, सॉरी ओल्ड रेशो बोल रही हूँ, जब उनके अकाउंट में गुडविल ट्रांसफ़र की गई तो वो 13:7 रेशो के साथ ये की गई. अब उन्होंने उसी टाइम बिजनेस में से उसको विड्रॉ कर लिया तो ये हम क्या करेंगे, ए और बी कैपिटल को डेबिट कर लेंगे टू कैश कर लेंगे. उन्होंने कैश की शेप में बिजनेस या बैंक यहाँ पे आएगा जिस शेप में भी उन्होंने गुडविल को विड्रॉ किया. ठीक है, ये था उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया. अब हमारा फोर्थ गुडविल पेड इन कैश बट विड्रॉ, ये हमारा हो गया गुडविल पेड इन कैश बट विड्रॉ जी हो गया. फोर्थ हमारा मेथड है गुडविल रेज्ड. गुडविल रेज्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा गुडविल का अकाउंट है, एग्जिस्टिंग अकाउंट जो प्रीवियस पार्टनर्स का है, उसको हमने रेज कर लेना है. जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैश की शेप में नहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, जो बिजनेस में ऑलरेडी अकाउंट है गुडविल का उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा और उसकी अकाउंट जो अमाउंट है गुडविल की वो रेज हो जाएगी. तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट. बेनिफिट जो सी ने पे करना है जाना ओल्ड पार्टनर्स को ही है बट उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो ये आ जाएगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश टू सी कैपिटल 50,000 उसने इन्वेस्ट किया, गुडविल टू ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. कहते हैं कि आपने ओल्ड रेशो के अगेंस्ट जो है गुडविल उसको ट्रीट करना है, रेशो भी ओल्ड रहेंगे और टोटल आपने गुडविल के ऊपर उसको करना है. जब भी गुडविल रेज करनी है आपने देखना है आपकी टोटल गुडविल कितनी बनती थी 48,000 और ओल्ड रेशो की पार्टनर्स के ऊपर करना है और पार्टनर्स के दरमियान में ओल्ड रेशो 3:2 थी. हमने 48,000 का 3:5 किया, 2:5 किया तो इट्स मीन अब ए का जो कैपिटल है वो 28,800 से है, जो बी का कैपिटल है वो 19,200 से, मीन इनका कैपिटल इतनी इतनी अमाउंट से इंक्रीज हो गया. तो गुडविल जो है हमारी वो 48,000 के साथ बिजनेस में है. ठीक है, ये इस तरीके से हम गुडविल को रेज करेंगे. हमारा फिफ्थ मेथड है गुडविल रेज जो की थी अब उसको आपने राइट ऑफ कर देना है. ठीक है, गुडविल जो है वो बिजनेस में रेज की गई थी उसको फर्म जो है वो राइट ऑफ कर देगी. उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जब वो बिजनेस में पे करेगा तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगी, जब इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा तो ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल होगी. अब हम इसको देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, सबसे पहले सी ने कैश पे किया, ये वाली दोनों एंट्रीज तो हमारे लास्ट वाले मेथड की हैं कि ये हमारी एंट्री थी. अब हमने क्या करना है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है. जब भी गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हमने न्यू रेशो पे करना है और वो तीनों पार्टनर्स के दरमियान में करना है, लाइक न्यू पार्टनर में भी करनी है. 48,000 न्यू रेशो 7:5:4 है, तो 7:16 ए का कैपिटल में चला गया, रिड्यूस हो गया बी के कैपिटल में से 15,000, सी के कैपिटल में से 12,000, तो गुडविल जो है हमारी टोटल 48,000 के साथ क्रेडिट हो गई. जब भी गुडविल को राइट ऑफ करना है हमने न्यू रेशो जो है पार्टनर्स की उनके दरमियान करना है और तीनों पार्टनर्स को करना है. हिडन गुडविल, हिडन गुडविल मीन जब जो गुडविल की अमाउंट है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो और वो आपने कैलकुलेट करनी हो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के बेस पे या प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे, इसको हम हिडन गुडविल कहते हैं. हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इनकी ओल्ड रेशियो है. वो एडमिट करते हैं सी को बिजनेस में वो 10,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का शेयर है 10,000 वो लेके आता है और ये 10,000 कहता है कि 1/5 है. इट्स मीन कि उसने कितना इन्वेस्ट किया 10,000 का, ये 10,000 उस अमाउंट का 1/5 है, तो वो अमाउंट कितनी होगी, हम इस रेशो को उल्टा कर लेते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1 तो वो 50,000 होगी. बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की ये टेंजिबल एसेट 30,000 के हैं, ए और बी का कैपिटल ये हमें गिवन है.
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे सी जो पार्ट लेके आया वो तो 10 है बट फुल शेयर्स कितना बनता है सी का बिजनेस में, वो बनता है 50,000। हम इसमें से अपने टेंजिबल एसेट्स और जो सी कैश अपना लेके आया है शेयर की शेप में उसको लेस कर देंगे, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारी हिडन गुड वैल्यू होगी। टेंजिबल एसेट्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थे और 10,000 सी पार्ट लेके आया जो शेयर की शेप में, उसको जब हम फुल शेयर ऑफ सी में से लेस करेंगे तो वो जो 10,000 है वो हमारा क्या होगा, वो हमारी हिडन एडजस्टमेंट होगी। फुल गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जी अगर फुल वैल्यू से गुडविल अकाउंट जितनी हमारी गुडविल बनती है उसी वैल्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर है तो देन हम क्या करेंगे। हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। कहता है ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 है, सी पार्टनर न्यू एडमिट हुआ है 1/4 शेयर इन द फ्यूचर, इसका जो 10,000 होगा। गुडविल इन ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स की गुडविल 20,000 है, गुडविल का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लेंगे तो 5,000 जो है वो गुडविल बनती है जो सी ने पे करनी है, सी कैपिटल जो है। अच्छा जी, जब गुडविल फुल वैल्यू में अवेलेबल होगी तो क्या होगा, जो सी जो गुडविल कैश में पे नहीं करेगा, कैश में क्यों नहीं पे करेगा, क्योंकि फुल वैल्यू जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है गुडविल की। फिर वो न्यू पार्टनर का जो गुडविल में से पार्ट बनता होगा वो उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। अब 20,000 का जब हम 1/4 लेते हैं, 1/4 शेयर ही लेके आया ना, तो 5,000 बनता है, 1/4 10,000 प्लस 5,000। अब जब हम उसके कैपिटल की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि जी वो 1/4 10,000 लेके आया, हम बात करेंगे कि उसका कैपिटल 15,000 से है, तो इसकी एंट्री होगी कैश टू सी कैपिटल 15,000। गुडविल अपीयर लेस देन द फुल वैल्यू, फुल वैल्यू लाइक हमने यहाँ पे देखी थी कि 20,000 है, अगर जो गुडविल है हमारी अगर 20,000 से लेस वैल्यू में अवेलेबल है तो देन हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इन दिस केस डिफरेंस विल बी क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, जो भी डिफरेंस है उसको ओल्ड पार्टनर अकाउंट में ओल्ड रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें ये बात समझने की है जब गुडविल लेस देन फुल वैल्यू है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो के साथ। सपोज टोटल गुडविल रुपीज़ 20,000 बट अपीयर इन बुक्स 10,000, कितना लेस देन अपीयर हुई है 10,000, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी उनकी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो उनकी क्या थी, 3:2, 3:2 इज इक्वल टू 5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 ए के अकाउंट में, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 बी के अकाउंट में, इस तरीके से बियर होगी। गुडविल अपीयर हायर देन द फुल वैल्यू, जैसे फुल वैल्यू 20,000 है, अगर हायर वैल्यू से अपीयर होगी तो क्या करेंगे, तो फिर जितनी भी एक्सेस वैल्यू होगी उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। अच्छा जी, गुडविल जो है वो बुक के अंदर 40,000 से है लिखी हुई और उसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 है, तो कितनी एक्सेस लिखी हुई है, 30,000 एक्सेस लिखी हुई है, तो ये 30,000 ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। सेक्रीफाइजिंग रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइजिंग रेशियो मैंने आपको थोड़ी सी समझा भी दी कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो होती क्या है, ठीक है, ये रेशियो वो है जो न्यू पार्टनर्स के आने पे ओल्ड पार्टनर को क्या है सेक्रीफाइज करना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर टू कंडीशंस हैं जिस पे हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। व्हेन गुडविल इज़ ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, गुडविल जो है कैश की शेप में न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो गिवन, क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू रेशियो भी गिवन है। अगर इन दोनों में से कोई भी अमाउंट जो है क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो आर नॉट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल, हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो को यूज़ नहीं करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बल्कि हम जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स की उसके अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर्मूला आपने देख लिया क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, रीवैल्यू, रीवैल्यू का मतलब है जो आपके एसेट्स हैं उनको फिर से देखना कि उनकी क्या वैल्यू है. फॉर एग्जांपल आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस में, जिस भी बुक ऑफ वैल्यू से हैं, जब आपने न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड करना है तो आपने देखना है इस टाइम आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की करंट वैल्यू क्या है. इसको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं. व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड एज द करंट वैल्यू मे डिफर फ्रॉम बुक वैल्यू. जी करंट वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट भी हो सकती है, आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है. उस टाइम जब आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है इसको हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बोलते हैं. ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं नेट लॉस और प्रॉफिट की शेप में. टू पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी जब आपके अकाउंट को रीवैल्यू किया जाता है. क्या द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़. फर्स्ट द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज़ टू बी अडॉप्टेड एंड फिगर चेंज अकॉर्डिंगली. और सेकेंड क्या है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म एट द ओल्ड फिगर. तो ये टू पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आपके अकाउंट्स हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है, ठीक है, उनके दरमियान में जो भी शेयरिंग रेशो है उसके अकाउंट से. अकाउंटिंग प्रोसीजर मीन जब रीवैल्यू किया जाता है तो क्या प्रोसीजर्स हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं. अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो हम एसेट्स रीवैल्यूएशन कर देंगे, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है रीवैल्यूएशन करते हुए तो हम रीवैल्यूएशन टू एसेट्स कर देंगे. आपको पता है कि जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होती हैं. अच्छा, लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होंगी तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़ हम करेंगे, और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो लाइबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन. एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट की जाती हैं, दोनों वाइस वर्सा हैं एक दूसरे के. इन अकाउंटिंग प्रोसीजर से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम देखते हैं कि हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट है या लॉस है. आफ्टर पासिंग ऑल जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दिया कि आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉरी प्रिपेयर करते हैं. अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हायर है डेबिट से, इट्स मीन के आपको गेन है. अगर आपकी जो है क्रेडिट साइड लेस देन द डेबिट साइड, इट्स मीन के आपको लॉस है. तो जब गेन है तो एंट्री है रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, अगर लॉस है तो एंट्री है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन. इस एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है. अच्छा जी, जनरल रिजर्व क्या है, जब आप बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई भी जनरल रिजर्व की हेडिंग के साथ कुछ अमाउंट है तो उस अमाउंट को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टू चैप्टर इसी इंट्रोडक्शन पे बेस करते हैं. आपके पार्टनरशिप में मेजर चेंजेस आती हैं जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, जब न्यूली पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, या जब बिजनेस को आपने डिसोल्यूट करना है, वाइंड अप करना है, ठीक है. ये आपका इंट्रोडक्शन था. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं.